स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश क्लास फोर्थ यूनिट 8 पोएम अ वाटरिंग राइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसके अंदर हमें समझाया गया है कि हमें कौन से वक्त पे कोई भी प्लांट होता है उसको पानी देना चाहिए और कौन से वक्त पे नहीं, किस तरह हमें पानी देना चाहिए, सारी चीज़ें हमें इस पोएम के अंदर समझाया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है अ वाटरिंग राइम। लेट्स बिगिन दिस पोएम विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो हियर वी आर। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो पहले ही 4 लाइन्स में हमें समझाया गया है कि हमें जो प्लांट होता है उसको पानी कब देना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह सुबह हमें देना चाहिए या फिर शाम को देना चाहिए। कोई भी टाइप्स के फ्लावर हो, कोई भी प्लांट हो, ये 2 टाइम पे ही हमें उनको क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए। वाटरिंग एट नून डे when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. अब एक बात याद रखना कि नून में कभी भी आपको वाटरिंग नहीं करना, पानी आपको देना है नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त सन होता है हाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है नून के टाइम पे, और उस टाइम पे अगर आप पानी दोगे तो कोई भी हेल्प मिलने वाली नहीं है फ्लावर्स को, ऊपर से वो क्या हो जाएंगे, डाय, मतलब कि मुरझा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इससे बेटर कि आप मॉर्निंग में दो या फिर शाम को दो। नून में वाटरिंग अवॉइड करो, रिमेंबर दिस थिंग, नून में वाटरिंग अवॉइड करो। अगर आपके घर पे गार्डन है या फिर प्लांट्स है, इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स है, तो उनमें शाम को या मॉर्निंग में आपको क्या करना है, पानी देना है। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टांजा। ऑल्सो वैन यू वाटर वाटर एट द रूट्स। अब आपको यहाँ पे समझाया गया है कि ये टाइम पे तो वाटर देना ही है, बट किस तरह अब आपको वाटर देना है, किस तरह आपको पानी देना है पेड़ पौधों को, तो याद रखना है कि आपको पानी रूट्स में देना है, ना कि लीव्स पे या फ्लावर्स पे। पानी डालने से कोई भी फायदा होगा नहीं, पानी ऑलवेज आपको रूट्स पे सीधा देना है। फोटो में देख सकते हो जो बच्चे डाल रहे हैं, बट आपको रूट्स में सीधा अटैक करना है, रूट्स में विद द वाटर। फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर अवर बूट्स। अब यहाँ पे देखो, जो फ्लावर का माउथ होता है ना, वो झड़ में होता है। जैसे हम जब शूज़ वेयर करते हैं तो शूज़ कहाँ वेयर करते हैं, नीचे बॉटम में, तो वैसे फ्लावर का जो माउथ है वो यहाँ पे इंडिकेट किया है एज अ रूट्स। तो रूट्स में हमें क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए। तो अब पानी हमने दे दिया, उसके बाद क्या होगा, सोक द अर्थ अराउंड देम देन थ्रू ऑल द हीट। अब जितनी भी हीट है, जब पानी हम नहीं देते तो आसपास बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे ही हम वाटरिंग करेंगे तो बिकॉज ऑफ द हीट जो वाटर है वो हमारा जो अर्थ है वो ऑब्जर्व कर लेगा, आसपास वाला जितने भी मिट्टी है वो ऑब्जर्व कर लेगी, एंड उसके बाद क्या होगा, द फ्लावर्स विल हैव वाटर, और उसके बाद जो हमारा जो फ्लावर्स है, प्लांट्स है, उसको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। फॉर दैट थर्स्टी फीट, जो उनके प्यासे रूट्स थे, फीट यहाँ पे इंडिकेट किया गया है रूट्स को, ओके। तो प्लांट्स, ट्रीज, उनके जो प्यासे रूट्स थे उनको अब क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो समझ में आया आपको कब कब वाटर देना है, शाम को देना है या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, ये 2 टाइम बेस्ड होते हैं प्लांट्स को वाटर देने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।